सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो फिर से होने वाली एक हॉरर स्टोरी जो कि है पूजा की कहानी। और ये मेरी दोस्त है और आज मैं इसके पास आई हूँ। मैंने इसे पूछा था तो इसने बताया मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो मैंने बोला क्यों ना आप खुद से ही बता दो ज़्यादा अच्छे से डिटेल में। तो आज की कहानी इसी की है, खुद की, और ये आपको सारी कहानी बताएगी कि इसके साथ क्या क्या हुआ है। अब वो पता नहीं रियल था या फिर इसका कोई एक क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं। वहम था, ये नहीं कह सकते, लेकिन इसको जो फील मतलब हुआ। हुआ है, एक नहीं हाँ, बहुत है ऐसी कहानियां। काफी हैं और इनके वहां पे काफी बोली भी जाती है, काफी सुनने में आती हैं, तो ये वो भी बताएगी साथ ही में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इनका जो घर है वो ऐसे एरिया में, मैं आपको बता दूं, जो थोड़ा सा जंगल का एरिया है जहाँ पहले काफी मुर्दे उर्दे गाड़े कब्रिस्तान जाते टाइप थे। का था ये, हाँ, ये सारी चीजें। अभी भी पीछे के साइड तो यहाँ पे जंगल है हाँ, बट तो। एक ऐसा गेट इन्होंने एक ऐसा एरिया बना दिया इन्होंने, सारा बंद बंद कर दिया है, तो वहां पे जो है कॉलोनी बन चुकी है एक प्रॉपर। तो ये काफी टाइम पहले तो ये चीजें बहुत ज्यादा होती थी, अभी थोड़ा कम हो गई है। तो ये बचपन से रहती आई है, इससे सारी चीजें सुनी है, तो आज ये वही शेयर कुछ करने वाली है। सुनी है कुछ देखी है, तो पहले मैं आपको सुनने वाला बताती हूँ, ठीक है। बहुत पहले तो मतलब ऐसा बोलते थे कि जैसे सरकटा नहीं होता है तो, सरकटा हाँ भूत बोलते हैं मतलब जो। जिसका सर ही नहीं होता है, ऐसे हम लोग ऐसे तो ऐसे समझते थे कि ऐसा क्या हो सकता है, मजाक है ये वो तब करके। छोटे थे तो हाँ, थोड़ी। तो ऐसे बताते थे चाचा वाचा लोग। तो क्या होता था, यहाँ पे एक मंदिर है क्या ऊपर की साइड को, तो वहाँ पे पूजा वूजा बहुत चलती है। तो वहाँ के मतलब पंडित थे तो वो थोड़ा पुजारी उजारी टाइप के थे, तो ना वो बाहर पे ही सोते थे। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि वो मंदिर के सो, बाहर सोते हाँ थे। सोते थे बाहर पे, मतलब गर्मियों के टाइम पे ऐसे होता ना, पंखा वंखा कुछ नहीं होता है। तो बाहरी सोना हाँ, ज्यादा प्रेफर करते तो वो हैं। ऐसे सोए हुए थे चारपाई में। तो अचानक से मतलब ऐसा कुछ हुआ कि उनकी चारपाई ऐसे उन्हें गिरा दिया किसी ने, ठीक है, वो सीधा नीचे गिरे। मतलब वो चारपाई से हाँ, नीचे गिर अपने आप गए, नीचे गिर गए। तो वो उसके पास चिल्लाने लगे, तो ना बहुत ऐसे हवा हवा तो ऐसा वो बोलने लगा। खुद गिरे या चारपाई भी पूरी चारपाई गिर पलट, गई ना मतलब पूरी पूरा ऐसे, पलट हो हाँ चुकी। पलट दिया था ऐसे। तो उनको समझ में नहीं आया, उनको लगा ये हवा का झोंका सा क्या आया, ऐसे क्या हो गया करके, ठीक है। तो खड़े होकर देखा तो कुछ नहीं ये आसपास। किस टाइम पे हुआ था? टाइम रात की बात है, 12-1 बजे मतलब के बारह बाद। एक बजे हाँ, के वो, मतलब कभी ऐसा होता नहीं था उनके साथ, सडनली बट होना, उस दिन ठीक है। हुआ था। और फिर लाइट वाइट चले जाना, आधी तूफान, इस टाइप से बहुत गंदा ही सीन हो गया। तो वो उनकी वाइफ थी, तो सब लोग भागते हुए सीधा मंदिर के अंदर गए, अंदर से लॉक किया। तो जो घंटी वंटी होती है वो सब बजना, मतलब सुना है हमने, पता नहीं सच है नहीं है क्या है। मतलब ये उनके साथ हुआ था, इन लोगों ने हाँ सुना है जब छोटे थे। हाँ तो ना वहाँ पे फिर ऐसा मतलब सुनने में आता है कि लोग गोल गोल मंदिर के ऐसे घूमने लगे, पता नहीं कौन अंदर लोग थे। एक तो था जिसका सर नहीं था, बाकी के लोग थे जो ऐसे ऐसे घूम रहे थे बहुत अच्छा, टोली वो के एक पूरी साथ। टोली टाइप हाँ, की थी वो घूमने लगी मंदिर के सारी, पीछे। और भूतों की फिर टोली। हाँ, तो उन लोगों को कुछ याद भी नहीं आ रहा था जो लोग फंसे हुए थे, चाचा लोग, कि मतलब क्या बोले, कोई मंत्र याद नहीं है, माता का नहीं आ रहा है, उस समय हनुमान मतलब वो चालीसा। बिल्कुल ब्लैंक हो गए होंगे, हाँ, सब चीजें भूल गए सब गिरे तैयारी, जा रहा है, जैसे वो फेंक रहे थे ना जल मलूता है, वो सब गिरे जा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा। तो वो तब बहुत, बहुत ज्यादा हाँ, हड़बड़ी हुई। तो उनके भाई रोने लग गए, चिल्लाने लगे, मतलब हाथ पाथ जोड़ना कि चले जाओ, हम कुछ नहीं कर, मतलब माफ कर दो, ऐसा ऐसा करे। बहुत सीन हुआ, कुछ नहीं हो पाया। फिर सडनली चाचा को आगे से दिखा होगा हनुमान चालीसा, तो उन्होंने उसको देख के पढ़ने लगे तेज तेज से। जैसे तैसे पढ़ा, उसके पास सब धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, ऐसा शांत सा हो गया। उसके बाद मतलब तो वो जो भी घूम रहे थे हाँ मंदिर को और वो चले गए। हाँ तो वो सब चले गए, सब चीज शांत हो गया, गायब हो गया। मतलब जो लोग थे ना, उन लोगों ने भी चीजें देखी कि घंटियां टूटी हुई है, पत्ते बिखरे हुए हैं। तो तब से मतलब ऐसा मानते हैं कि सच है कहानी, अब हम तो थे नहीं, मतलब सुना हुआ है ऐसा। बट ये सुना है तो काफी, ये चीज हाँ, वायरल हो गई हुई क्योंकि इतनी बहुत। बड़ी चीज होना। तो उसके बाद तो डेली का ऐसा हो गया था कि यहाँ पे आते ही आते हैं सरकटे, घूमते ही घूमते हैं, बच्चों को घर के अंदर रखना, कोई बाहर नहीं जाता था, मतलब शाम के और बाद कोई बाहर नहीं जाता उसके था बाद तो ये। सीन ऐसे ही हो गया था कि घूमते ही है यहाँ पे, ऐसा वाला था। तो ऐसा कोई तेरे साथ हुआ था किस्सा वो? एक हमारे साथ हुआ था, मतलब एक क्या बहुत सारे हुए, ठीक है। एक है यहाँ पे ना स्कूल है जो सरकार सरकारी स्कूल है, ठीक है, गवर्नमेंट है। तो हम लोग ना सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, 3-4 बजे कभी भी निकल जाते थे। तो हम सब लोग दोस्त थे, ऐसे ही बकलोली करते हुए घूमते रहते थे। तो ऐसे हम लोगों ने शर्त लगाई कि हम लोगों को मंदिर के अंदर जाकर छू के आना है, अंधेरे में, रात के 3 या 4 बजे थे, मंदिर मंदिर में के छू के अंदर आना क्या है। छुके आना स्कूल से जाते थे, है? पीछे अच्छा मंदिर है अच्छा तो छू के मंदिर को वापस आना है। तो कहा जाता था कि भूत है, बचपन से हमने यही अच्छा सुना तो है। वो डेयरिंग टाइप का हाँ, ले वहां रहे पे थे बरगद का पेड़ है, चैलेंज। उसको जाके बरगद के पेड़ को छू के आना है, तो कौन ऐसा कर पाएगा, ऐसा चल रहा था। कब, कितने तो छोटे थे हम लोग? ज्यादा छोटे नहीं होंगे यार, हम लोग 9th या 10th क्लास की बात होगी, ऐसा इतने कुछ भी होगा। छोटे नहीं थे। हाँ, वही ना अभी की बात है, 8th 9th ऐसे कुछ होंगे। तो ऐसे दोस्तों का लगा, तो कोई नहीं जा पाया, ठीक है। सब लोग वहां तक गए, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जा पाए। क्योंकि डर। हाँ, सब गए, तो एक दोस्त था, उसने कहा मैं जाके दिखाऊंगा। तो वो चल दिया, ठीक है, वो जाता है। और उसके बाद वो छूके पता नहीं कब आता है, हम लोग फिर ऐसे चिल्ला रहे थे कि ओए आजा आजा करके चला रहे थे। और पता है वो बंदा हमारे बगल में खड़ा था, ओ ओ भाई। और भाई, हम ना उससे बोले आ, वो हाथ ला रहा है ऐसे ऐसे कर रहा है अपने हाथ को, ठीक है। और ना जितने भी क्वार्टर है यहाँ ऊपर की साइड का, वो सब खाली रहते हैं,
वहाँ हम उसको भूत बंगला टाइप का ही बोलते हैं। मैंने अभी भी देखे हैं, खाली सब खाली पड़े और हम उसको ऐसे बुला रहे हैं, आजा आजा आजा। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करा, थोड़ी देर में हम देखते हैं उसका नाम कमल था, वो हमारे बगल में आके खड़ा है। हमने कहा तू यहाँ तो वो कहाँ है, वहाँ देखा तो कुछ भी नहीं। ओ भाई, पता है बिना कुछ बोले सब भागे वहाँ से, पहले सब भागे, फिर इसके बाद हमारे हमारे घर के आगे आए, सब लोग ने बैठ के बातचीत की पहले, फिर बात की उनको। क्या था, हम लोगों को आज तक पता है इसका पता ही नहीं है कि वो क्या था। हमने कहा भूल जाओ, सीरियसली में कुछ देखा या वहम था क्या था, मतलब परछाई सी थी और ऐसे ऐसे देखा तो सही, हाथ हिला रहा था भाई बंदा, ये बहुत तगड़ा था। उसके बाद से हमें सब खौफ आया, हमने कहा भाई हम लोग का घूमना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल। और एक चीज ऐसी और थी, हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो तब ना मैं, मतलब मैं और एक और लड़की थी, हम लोग दोस्त थे, हम लोग भी जाते थे, ये वाला, हाँ ये वाला बड़ा तगड़ा था। तो मैं डेली जाके ना उनके घर में आवाज लगाती थी कि आजा घूमने आजा ऐसे ऐसे बाहर से। तो एक बार उनके घर में ना आवाज आई 3 बजे, ठीक है, वैसे मैं 4 या 5 बजे जाती थी, उनके घर में आवाज आई होगी 3 बजे। तो ना सेम जैसे मैं मतलब बोलती हूँ ना उस तरीके से उसको आवाज लगा के बुलाया और बाहर से आवाज लगा दी, जैसे पूजा ऐसे करके पूजा आजा पूजा आजा ऐसे। तो आंटी को शक हुआ होगा, क्योंकि आंटी लोगों के साथ ऐसा होता है, आंटी लोगों को सब, उनको सब नॉलेज है इस चीज की, मतलब क्या तुमने टाइम देखा तो 3 बजे देते। अब 3 बजे मैं तो जा नहीं सकती, सबको पता है यहाँ हम लोग तो जाते नहीं, हम लोग 5 या 4 बजे जाते घूमने मॉर्निंग वॉक के लिए। हाँ तो उसके बाद फिर आंटी ने बोला, आंटी अंदर से चुप रही, उन्होंने सुनते हैं बच्चों को चुप करवा दिया, तो क्योंकि उनको भी लगा होगा रात को 3 बजे कौन आ गया, कैसे आ सकती है ये बच्चे। आवाज भी वो अजीब टाइप की आवाज चल रही थी, ठीक है, और अजीब भारी अजीब सी हो गई। हाँ तेरी तरह एग्जैक्टली सेम तो नहीं, बहुत ही अलग आवाज थी, मतलब जैसे बहुत बात की होती है इस टाइप से आवाज, मतलब नॉर्मल जो इंसान होते हैं उनकी नहीं थी। उन लोगों के साथ बहुत होता है ऐसा, मतलब उनको बहुत ज्ञान है, पता नहीं क्या भूत का, तो वो यूं समझ गई। तो उसके बाद ना वो चिल्ला के बोली, क्या है तुझको, जाए यहाँ से, इस टाइप से बोली। मुझे मुझको बताया ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है। अब मुझको तो इस बारे में कुछ नहीं पता है, वहां चल चुका है सब भूत का। मैं अपने घर से जाती हूँ 5 बजे और मैं चिल्लाती हूँ बाहर से, फिर आंटी सेम चीज करती है मेरे साथ, चल यहाँ से जाए यहाँ से। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा कभी ये हो रहा है, तो मुझे अजीब सा हो गया, उनको लगा होगा फिर से। हाँ फिर उनको ना चेक करना चाहते क्या हुआ। मैं फिर उसके बाद मैंने बोला क्या हुआ, तू नहीं आ रही है क्या? तो उसने फिर ऐसे बोला अंदर से, आंटी ने फिर बोला कि अच्छा पूजा तू है क्या? मैंने कहा हाँ आंटी मैं हूँ, ऐसे बोला। फिर उनको पता लगा भाई, मुझको वहीं पे बता दिया सब कुछ, और मेरा ऐसे थर काफी, मैंने कान पकड़ लिया, आईना से मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद से हमने प्लानिंग करी कि मैं कॉल करूंगी तो वहाँ खुद आ जाना, मैं तेरे घर पे नहीं। अच्छा ऊपर को नहीं जाएगी, ऊपर तो मतलब ये जाने का रास्ता वो है कि उसके पीछे पूरा जंगल का एरिया, सारा जंगल, मतलब आप कब्रिस्तान कह सकते हो उसको, पहले वही हुआ करता था, पहले तो यही था, अब तो फिर भी लोग रह रहे हैं तो ठीक है भाई, बट अभी भी होती होंगी शायद ये चीजें। एक बार तेरे साथ हुई थी, मुझे बताया था रिसेंटली, कुछ कौन सा शायद 1 साल पहले आवाज आ रही थी। हाँ पता है ये, मैं वैसे तो अभी इसको अपना वहम मानती हूँ, अगर वैसा समझूंगी तो नेगेटिविटी भी आ जाएगी, डरूंगी डेली रात में, ठीक है। जैसे क्या होता था, हम लोग, मैं अंदर वाले रूम पे सोती थी, तो मैं सोई हुई थी, बगल मेरी मम्मी सोई थी, मतलब मम्मी बहन इन लोगों को उठाने का फायदा नहीं होता, ये दुगना डर थी, हाँ मेरी दीदी थी, और दुगना डर जाते हैं तो और डर लगता है, तो मैं किसी को कुछ बताती नहीं हूँ। तो ना सडनली ये वाला कहना, रोने की आवाज जो आई थी, मुझे बताया था अगले दिन, पहले खांसने की आवाज आई थी, वही बताया ना। तो सडनली हमारे घर के ऊपर ना अंकल जी रहते हैं, दुबंजले में ऊपर अंकल रहते हैं, बट जिस टाइम पे सब हुआ था अंकल जी भी नहीं थे और हम ही लोग, मतलब कोई नहीं था, कोई नहीं था, एक प्रॉपर बिल्डिंग है यहाँ पे, सब यही यहाँ पे हम लोग थे। तो सडनली क्या होता है ना, खांसने की आवाज आती है, वैसे अंकल होते हैं तो पीछे ऊपर से टप टप की आवाज भी आती है जब वो चलते हैं, बट कुछ आवाज नहीं थी, खांसने की आवाज आई, क्योंकि कोई था ही नहीं। और ना मैं सोई भी नहीं थी, मैं उठी हुई थी रात के 3 बजे देंगे रात के, एक तो दिमाग में ये फिट है ना कि 3 बजे होता ही होता है। तो ना मैं वैसे मैं वॉशरूम जाती हूँ रात के 2-3 बजे, वो भी बाहर की साइड है, तो आदत ही है, मतलब दिन में मैं ऐसा लगती नहीं होगी कुछ होने वाला है ऐसा। तो आवाज जो खांसने वाली आई ना, मुझको लगा अंकल खांसे थे, सडनली आ रहा है, अंकल तो गए हैं अपने घर, कौन खा सकता है। फिर उसके बाद ना थोड़ी देर बाद, पता नहीं मेरा वहम था क्या था, तेज तेज से आदमी की रोने की आवाज आई, और वो इतनी तेज आवाज जैसे मेरे कान से होती हुई दूर को चली गई, होते 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 वो आवाज फिर बंद हो गई। ओ भाई साहब, मैंने कंबल पकड़ा, अपने आप को घुसा लिया अंदर, मैं पसीने से ऐसा हो गया ना मेरी हालत, मैं जब तक उजाला नहीं हुआ मैं सोई नहीं, मेरी हालत खराब, मेरी बहन थी मेरे बगल में, उसको बता नहीं क्यों उसको बताती ना गाइस, आज मैं होती ही नहीं ऐसा होता है, वो उससे ज्यादा डरपोक है। तो मतलब बहुत से ऐसे किस्से ना भाई, गॉड मैं बता दूंगी ना, ऐसा लगेगा कि सच है नहीं है, समझ में नहीं आता। हाँ मैं चीजों को क्या ही बोले कि वहम है या सच है, वैसे ये जो था ये तो रियलिटी थी। तगड़ा भाई, बहुत तगड़ा, ऐसी बहुत कहानियां हैं, मतलब पता नहीं आप लोग बताना आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। एक बार ऐसा भी था कि
मेरी बहन ने मतलब सुना था, ठीक है, उसने मुझे बताया था। मैं तो उससे कहती तुम मत ही बताया कर कुछ। हम लोग पीछे की साइड में, हमारा घर था पहले, हम पीछे रहते थे। अब पीछे को देना मतलब सोच लो जितने पीछे रहोगे उतना खतरा है, ठीक है। तो पीछे ना जैसे जो सीख वाला झाड़ू नहीं होता, डंडू वाला जो झाड़ू होता है, तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उससे रात के 2 बजे के टाइम पे झाड़ू लगा रहा है हमारे घर के पीछे की आंगन में, ठीक है। ऐसे कोई झाड़ू लगा रहा है तो उसको वो आवाज आई, ठीक है। तो उसने झाड़ू लगाने की आवाज आई होगी, झाड़ू लगाने की आवाज आई, शांति बहुत होती है तो ऐसी आवाजें बहुत ज्यादा आती है। उसको मतलब ऐसा था ना, उसको ये चीजें सुनाई देती थी, तो पहले वो कभी बताती नहीं थी। तो उसने सडनली मुझको बताया कि ऐसी आवाज आई। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, तेरी सोच है, मतलब वहम है। तो फिर ऐसे दिन गुजरे, वो बताती गई, हमने कहा नहीं होता नहीं होता, उसके बाद नहीं सुनी। क्या होता, वो बच्चे भी रहे ना, मतलब टाल दिया कि वहम है ये। फिर एक बार क्या होता है, एक बार ना उसको खटखट के हमारे घर के बाहर के साइड से आवाज आई, खटखट करने की, वो भी विंडो में, दरवाजे में नहीं, विंडो जाली वाले होते तो अजीब से आवाज आती है, बाहर से जाली है अंदर से प्रॉपर डोर है। तो वो खटखट की आवाज आई, तो ना उठती है वो, पता नहीं कैसे उसने विंडो खोली, और उसने 2 आदमी देखे कुर्ते में, व्हाइट कुर्ते में, और ऐसी जगह से गए जहाँ से झाड़ियाँ हैं, कोई जाने का रास्ता नहीं है, हम लोग भी कभी जाते नहीं थे। तो ऐसे चलते 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 वहाँ से अपने आप ही नीचे को गायब, वो उसने देखा, उसने वो मुझे बात बताई। उस दिन से मैं उसके साथ रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सोच हम लोग ने महसूस किया ऐसा यार। मैंने कहा भाई तू ऐसा था, मेरी बस की तो नहीं है, मैं तो नहीं तेरे साथ सोने वाली, क्योंकि हम बातें ऐसी करती थी। उन्हें पहले डराती थी, हमको लगता था ये डराने के लिए कर रही है, जब उसने बातें बताई ना और रोते हुए आंसू बहते हुए, तब हमको लगा ये बंदी सच कह रही है। बाबरे, बहुत ये तो बहुत खतरनाक था भाई साहब, ऐसे गायब हो जाना। हाँ ऐसा एक बार हुआ था दिवाली के टाइम पे, वो अमावस्या की रात होती है, बोलते हैं अमावस्या की रात, ऐसा ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं। इस टाइम पे हम लोग जुए हुआ खेलते हैं, तो सब लोग जाते रहते हैं, तो घर पे ना हमारे नॉक करने की आवाज आई, रात के 12-1 बजे के बाद की बात है, आवाज आई। तो हम सब सोए हुए थे, तो लगा कि पापा आए होंगे, तो मम्मी उठ के आई, मम्मी के साथ मैं भी आई हुई थी। तो बाहर को हम लोग देखने के लिए आए, तो खटखट तो वो आ जाए, कुंडा खुला वहाँ पे कोई नहीं। थोड़ा बाहर जाके देखा तो एक आदमी व्हाइट कुर्ते में चलता हुआ दिखाई दिया भाई, वो चलता हुआ आगे से गायब। ओ भाई ऐसा लगा ना, अब मुझे नहीं पता था पहले कैसी कैसी बात को बता के, मुझे डर लग रहा है। अभी मुझे पता ही नहीं था वैसे कोई रात होती है या ये हुआ है। मम्मी ने पकड़ा के हाथ अंडर लेके सो गई, थोड़ा समझ गई। हाँ वो आंटियों को बता रही थी, तब मैंने सुन लिया और तब से ऐसा हो गया, ताकि ये डरे ना करके। ओ भाई एक मैं बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ, ये तो मैं आज तक सोचते भगवान ही मजाक हो या मेरा वहम हो, ये तुझे भी नहीं पता होगी, ये मुझे भी नहीं पता होगी, क्योंकि जितनी मुझे पता थी वो 2-3 तूने बताई थी, ये वाली जो अभी रिसेंट बताई ये भी मुझे नहीं पता थी। इसमें क्या हुआ था ना, क्या मतलब एक बार बारिश आई थी बहुत तगड़ी, हम पीछे वाली लाइन में थे, ठीक है, पीछे वहीं पे स्कूल है, उसके पीछे है मंदिर। तो हमारी जो लाइन थी वहां पे मतलब तगड़ी बारिश और ऐसी हवा चलती थी कि पेड़ गिरेंगे, ये वो, तब यहाँ लिप्टस के पेड़ थे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत प्रॉपर जंगल हुआ करता था, पेड़ ऐसे थे कि लिप्टस के पेड़ कट करवा दिए, बहुत पेड़ थे, तो काफी ओपन हो गया है ना, पहले ऐसे पेड़ थे और ना तूफान चल रहा था। तो हम लोग दरवाजा हमारा सब खुला हुआ था, रात के ज्यादा टाइम भी नहीं है, 9-10 बजे होंगे, ठीक है, सब खुला हुआ है, आधे तूफान चल रहे हैं, लाइट भी नहीं गई थी। हम लोग खाना वाना कुछ खा रहे थे, तो बाहर से ना बहुत तेज से एक आदमी भागता है और चिल्लाता हुआ कि बचाओ बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ। और मैं इतनी पागल, मैं भाग के गई बाहर, मैंने दरवाजा खोल दिया और मुझे आधे तूफान चल रही है, मुझे वो भागता हुआ गया, मुझे वो दिखा भागता हुआ, और मतलब जैसे स्पीड से भागता हुआ गया, बहुत ही स्पीड गई, मतलब आवाज चल रही है पर आदमी गायब हो गया। अच्छा, आवाज आ रही है कि भागते बचाओ, और मैं देख रही हूँ किसको बचाना है किसको बचाना है। जब मैं वापस से मैंने कि मम्मी को बचाने के लिए बोला ना, मम्मी ने बोला पागल हो गई है, कुछ भी तो नहीं हुआ, मतलब वो सब बैठे और मैं वहां गई, सोचो आप सब बैठे और मैं, यानी कि वो आवाज सिर्फ इसने ही सुनी, और मतलब मैंने कहा मम्मी अभी तो आवाज आई, अपनी बहन से पूछा, भाई सबसे पूछा मैंने, अभी तो कोई आवाज आई, वो कह रहे कुछ भी तो नहीं हुआ, तू भाग क्यों गई थी। और भाई ऐसा हो गया ना मुझको, मैंने कहा वो आज तक मेरे कान में आवाज घुसती है भाई। और पता है मुझे शक्का की, वो एक अंकल थे ना हमारे कॉलोनी के, एक अंकल थे, मैंने कहा वो अंकल आ गए बचा बुझा कहते हुए, उन्हीं की जैसी आवाज सुनाई थी मुझे सब कुछ था और भाई। बट इतनी स्पीड से नॉर्मल इंसान तो नहीं भाग सकता, वो चीज गायब हो गई थी, बस आवाज ही नहीं हुई, आवाज रह गई, मैंने देखा, मैं देख भी नहीं पाई, बस भागता हुआ कुछ देखा सड़क नहीं पास ऐसे। और भाई सोचा क्या हालत हुई होगी, सच में बहुत खतरनाक। उसके बाद तुझे कैसा फील हुआ, नींद आई नहीं आई, कुछ भी नहीं, घर वाले बोल रहे कुछ आवाज नहीं आई, मैं सुबह तक पूछते थे बताओ यार कुछ तो हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। और मेरे को आज तक ऐसा लगता है वो क्या हो गया, खास मैंने देख लिया होता कुछ तो मुझे पता चलता, बट अब तो मुझे ऐसा ना वो था या नहीं था या मेरा वहम था, मैं सोच रही हूँ क्या था, समझ नहीं आती है वैसे, इतनी सारी चीजें होना, ये तो मे बी
बट ये वही है ना कि हर कोई नहीं इसको सच मानता है। भाई जिसके साथ हुआ वही समझ सकता है भाई। तू तो होने के बाद भी नहीं समझ पा रही है। मैं तो कहती हूँ नहीं भाई, मैं ना अपने दिल में इसको रखती थी मेरा कि कुछ नहीं होता है सब, क्योंकि मैं अगर मान लूंगी तो मैं ऐसी जगह पर रहती हूँ, मुझे पता है भाई मुझको रात को 2-3 बजे वॉशरूम जाना पड़ता है, तो मैं कैसे बताऊँ 2 बजे तक है। हाँ तो मतलब मुझे ऐसा है कि सोने से पहले मेरे को जाना ही जाना है। आप हमारा घर से बाहर रहता है, घर के अंदर घर से बाहर है, अब पीछे को पूरा जंगल जाते जंगल दिखता है आपको, तो आप कैसे मानोगे यार कि ये सब चीजें होती है। मैं तो नहीं मानती, कुछ भी नहीं मानती। हुआ है मानूंगी नहीं। अभी भी चलता रहता है, पता है बीच में बहुत खबर आ रही लॉकडाउन के टाइम पे उसके बाद कि एक औरत घूम रही है अपने गोद में एक बच्चे को लेकर, ये कोई बात होती बताओ बोलने वाली, वो भी बोले कि 12 बजे के बाद घूमने लग गई। हुआ होगा लोगों ने देखा होगा इसलिए बोला ऐसा तो कोई नहीं बताता। बहुत बहुत डर लगता है यार, अभी भी कुछ भी कोई भी बोल देता है, आप कुछ भी होता है, गलत भी हो सकता है सच भी हो सकता है, हम मतलब मानना ही पड़ता है, हमें घर के अंदर रहना पड़ता है। बट वो क्यों ही वो लोग बोलेंगे, क्योंकि जब जहाँ पे वो रह रहे हैं अपने बच्चों को डराने के लिए, ऐसा तो घर में देखा हो कुछ भी हो सकता है, बहुत डरावनी जगह है गाइस, नाम नहीं बता सकती हूँ वरना तुम्हारे से डर जाओगे। टहल के और टहल का मच जाएगा, नाम तो नहीं बता सकती हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा। तो मतलब ऐसा कुछ होता है, आपके अंदर है आप उसको लो या किस वे में लेते हो। हाँ आपके अंदर, बाकी जब तक हमारे साथ खुद पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता ऐसा कोई मानता नहीं है, लेकिन मैं तो मानती हूँ जब पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव पे हो ही। हाँ ऑब्वियसली बात है, दोनों लाजमी है, बट कोई बात नहीं भाई, मैं तो ये सोचूंगी भाई मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, हुआ बहुत कुछ है, मैं मानना नहीं है, मानना कुछ नहीं मानना है भाई। लेकिन इतनी सारी चीजें बाप रे, अबे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे दोस्त लोग बताते हैं हॉस्टल में उनके साथ हुआ है, लड़की के पैर पीछे हो जाते हैं, ऐसा हो सकता है क्या यार, मुझे तो ये सब फेक लगता है, पर उन्होंने देखा हुआ दीवारों में लिखना, लिख के कोई भाग जाता है, होता है जो होते ना अकाल मृत्यु टाइप जिनकी होती है, ये चीजें हो सकती है भाई। ये तो बहुत तगड़े है कि लड़की के नाखून अपने आप बढ़ गए पैर पीछे, मेरे दोस्त लोग थे हॉस्टल में रहते थे उन लोगों ने बताया था, मैंने कहा तुम मुझे मत बताओ भैया, मेरे साथ मेरे दोस्त लोग रहते हैं, मैंने कहा मत बताओ भाई मेरे दोस्त के अंदर आत्मा ना आ जाए, बहुत डर लगता है सुनने में तो काफी डर लगता है, फिर ये क्या होता है दिमाग में ना बैठ जाती है चीजें, यही तो बात है। मैं तो अब भूल चुकी हूँ, आज इसने बोला तो मैंने कहा ठीक है बता दिया जाए, तो गाइस आप लोग बताना, मुझे याद था इसने पहले ही बताया था मुझे एक दो बार, तो मैंने सोचा क्यों ना तू खुद से ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाएगी, इसलिए मैं आगे मैंने बोला था इसको बताना स्टोरी ये वो वाले, तो ये मेरी मुंह जवानी सुनवाई है इसने आपको, तो क्योंकि तूने बहुत अच्छी तरह और तूने ऐसी ऐसी चीजें बताई जो मैंने खुद नहीं सुनी थी, अभी तो बहुत किस्से है गाइस, अगर आप लोग को सुनने को तो बताना, फिर से मीटअप करेंगे एक और बनाएंगे वीडियो, बहुत किस्से हैं मजेदार, इसके पास बहुत सारा है खजाना भरा हुआ है ऐसी जगह रह रहे के अब, लेकिन मुझे तेरे वहां शाम को आने के बाद डर लग रहा है, अब मुझे खुद हो रहा है आज रात को मैं कैसे रहने वाली हूं भाई, क्योंकि सारी चीजें हो गई है फ्लैशबैक, बहुत तगड़ा हो चुका है, तो चलो एंड कर दे वीडियो को और किससे बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप लोग बताना पक्का से, देखते हैं कैसा रिस्पांस आप लोग देते हैं, तो एंड गाइस आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो पूजा चंदोला, ये नहीं करना था इसकी बात नहीं हुई थी, ठीक है गाइस पूजा चंदोला आप लोगों को अच्छा लगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ऐसी और ज्यादा हॉरर स्टोरी देखनी है और ज्यादा सुननी है तो मे बी नेक्स्ट टाइम या तो मैं बोलूंगी या फिर ये स्टोरी आपको सुनाएगी इसी तरीके से डरावनी। वैसे ये जो थी ये बिल्कुल सत्य थी, यानी कि सच थी, वो भी इसकी आप बीती थी और आपने इसी के मुंह से सुनी बहुत अच्छी तरीके से, तो आप बताना जरूर कैसी लगी आपको ये वीडियो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में बताओ थोड़े अपने किस्से कैसा कैसा, ताकि मुझे भी सुनने में मजा आए, हमको भी लगे कि हमारे अलावा भी कोई लोग हैं जिनके साथ ऐसा। हाँ वैसे मैं भी यही सोचती हूँ कि सिर्फ हम ही लोग हैं या फिर और भी बाकी लोग हैं कि जिनके साथ ये सब हुआ रहता है, वैसे मैंने अपने बुजुर्गों से तो सुना है ये सारी चीजें, लेकिन जो हमारी एज के हैं उनसे मैंने इतनी सारी चीजें ज्यादा सुनी नहीं है, क्योंकि ये चीजें बहुत पहले हुआ करती थी पहले के टाइम पे, और अभी भी होती होंगी या गांव में या जंगल उंगल टाइप ऐसे एरिया में होती होंगी, मे भी होती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ हमने अपनी एज के लोगों से तो मैंने नहीं सुना है, अब वो मानना नहीं चाहते ना हम लोग यार, हम लोग बहुत जिद्दी से होते हैं, मैं मुझको ही देखने मानना नहीं चाहते, मानना नहीं है होता सब कुछ है, मानना नहीं है कि ये सब कुछ होता है, वैसे और लोग भी, ताकि हमें डर ना लगे, हम ये सोचे ना, अपने मन में थिंकिंग ना रख ले ये चीजें, तो मे बी हो सकता है, बट जो भी थी अच्छी थी वीडियो और अच्छी थी आपकी स्टोरी जो आपकी खुद के साथ बीती हुई थी और आपको माननी नहीं है, हमको नहीं चाहिए, अरे भाई ये मेरे को तो बहुत अजीब सा हो गया सर, मैं इसके वहां रात को कभी नहीं आऊंगी अच्छी बात ये तो श्योर है, तो काफी अच्छी स्टोरी थी, तो आज की एंडिंग करेगी जिसकी कहानी है आपने सुनी है इतने अच्छे तरीके से, तो गाइस ये भी आज की हमारी वीडियो, होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो कमेंट में आप लोग बताओ आपको कैसा लगा है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।